एसआईसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आपको कक्षा 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, महान व्यक्तित्व से, अध्याय 4, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो आइए हम सत्यवादी हरिश्चंद्र का सारांश आपको संक्षिप्त में बताते हैं। हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी राजा थे। महाराजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी राजा थे। उनका जन्म सतयुग में हुआ था। उनका जन्म कहाँ कब हुआ था? सतयुग में हुआ था। और उनके पत्नी का नाम था तारामती और उनके पुत्र का नाम था गोहितासु। एक बार राजा ने स्वप्न में अपना सारा राज्य किसी को दान में दे दिया। एक बार स्वप्न में उन्होंने अपना सारा राज्य किसी को दान में दे दिया। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्होंने महाराजा को स्वप्न में दान की गई बात की याद दिलाई। और उनके दरबार में कौन आया? विश्वामित्र। और उन्होंने स्वप्न में दान की गई बात की याद दिलाई। महाराज इस बात को सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से सारा राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। और वे प्रसन्न होकर के विश्वामित्र को सारा राज्य दान में दे दिए। उसके बाद से दान करने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। और जब हम कोई चीज दान करते हैं तो उस दक्षिणा भी हम उसके बाद से देते हैं। तो सारा राज्य तो वो दान ही कर चुके थे। उनके पास जितना चीज था राज, वो सारा राज्य अपना दान कर चुके थे। अब दक्षिणा के लिए धन कहाँ से आए? और दक्षिणा के लिए उनके पास अब धन नहीं था। उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अपने आप को बेचने का निश्चय किया। और दक्षिणा देने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने आप को बेचने का निश्चय किया कि अपने आप को बेच करके उनको दक्षिणा दे देंगे। और वे काशी की ओर चल पड़े। काशी की ओर गए और वहां जाकर उन्होंने अपने आप को बेचने की पूरी कोशिश की। वे काशी की ओर गए और क्या किए? अपने आप को बेचने की पूरी तरह से कोशिश किए। शाम को रानी तथा पुत्र को एक व्यक्ति ने मोड़ ले लिया। और जब शाम हुआ तो रानी और उनके पुत्र को एक आदमी ने खरीद लिया तथा विश्वामित्र को शमशान के स्वामी ने भी मोड़ ले लिया। और विश्वामित्र को कौन ले लिया? शमशान के स्वामी ने भी उनको मोड़ ले लिया यानी खरीद लिया। उसके बाद से महाराजा हरिश्चंद्र क्या किए? शमशान की रखवाली का काम मिला। उसके बाद से उनको खरीदने के बाद से शमशान के मालिक ने उनको खरीदा और उनको शमशान की रखवाली का काम मिला। और तारामती को घर का चौका बर्तन करने का काम मिला। और तारामती को जिन्होंने खरीदा था उनको घर का चौका बर्तन करने का काम दे दिया। एक दिन रोहितासु को एक सर्प ने डस लिया और तारामती उसे रोते हुए शमशान जा पहुंची। और सर्प ने रोहितासु को डस लिया एक दिन, तो उसको लेकर के जब रानी शमशान पहुंची तो उन्हें पता नहीं था कि पति शमशान में ही हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि उनके पति शमशान में ही हैं। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। और हरिश्चंद्र ने क्या किया? तारामती से शमशान का कर मांगा। तारामती के पास उस समय कुछ नहीं था और तारामती के पास उस समय कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। हरिश्चंद्र ने कहा कि बिना कर लिए तुम्हें यहाँ मुर्दा नहीं जलाने दूंगा। यह ऐसा करना अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। और उन्होंने कहा कि बिना कर लिए मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं जलाने दूंगा और यह ऐसा करना क्या होगा? मेरे मालिक के साथ विश्वासघात होगा। लाचार होकर तारामती ने शमशान का कर चुकाने के लिए अपनी साड़ी फाड़ना शुरू कर दी ठीक उसी समय आकाश से घोर गर्जना हुई। और जब उन्होंने अपना साड़ी फाड़ा तो आकाश से घोर गर्जना हुई। विश्वामित्र प्रकट हो गए और वहाँ विश्वामित्र प्रकट हुए। रोहितास भी जीवित हो उठा। विश्वामित्र ने कहा, हे राजा तुम धन्य हो। और उन्होंने हरिश्चंद्र को कहा कि हे राजा तुम धन्य हो, यह सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। तुम श्रेष्ठ हो, सत्यवादी और धार्मिक हो। और वास्तव में हरिश्चंद्र हमारे
ये ऐसे पूर्वज हैं जिन पर प्रत्येक भारतवासियों को गर्व है। इसलिए इससे क्या शिक्षा मिलती है कि सत्य बोलने, धर्म पालन और कर्तव्य से सभी कठिन कार्य क्या होते हैं, सब सरल हो जाते हैं अगर हम सत्य बोलेंगे, धर्म का पालन करेंगे और अपने कर्तव्य के प्रति अगर सही रहेंगे तो सारे ही कठिन कार्य क्या हो जाते हैं, सब कठिन कार्य सरल हो जाएंगे। इस प्रकार से मैंने आपको हरिश्चंद्र का सारांश संक्षिप्त में बताया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आइए हम राजा हरिश्चंद्र का आपको अभ्यास प्रश्न बताते हैं। तो बच्चों देखिए, राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना राज्य किसे दान में दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपने राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान में दिया। दूसरा, राजा ने स्वयं को क्यों बेचा? तो आप लोग लिखेंगे, महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचा। अगला है, राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र के शव का बिना कर लिए अंतिम संस्कार क्यों नहीं करने दे रहे थे? तो इसका हो जाएगा कि वे राजा हरिश्चंद्र अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे क्या कर रहे थे, बिना कर लिए अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे थे। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को उनका राज्य क्यों लौटा दिया? तो राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का पालन सीमा से भी बढ़कर किया और महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा में वह पूर्णतः खरे उतरे, इस कारण उन्होंने उनका राज्य वापस लौटा दिया। अगला है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, साथ ही कहने वालों का नाम भी है, सही मिलान करिए। तो पहला देखिए, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? पहला कौन कहा था? तो आपका हो जाएगा दूसरा, विश्वामित्र ने कहा था कि जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया तो राजकोष तुम्हारा कैसे रहा। तो कौन कहा था? विश्वामित्र, दूसरा विश्वामित्र हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है? कौन कहा था? राजा हरिश्चंद्र कहे थे कि आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा नहीं रोकी जा सकती है, ये हरिश्चंद्र कहे थे। मैं किसी को छोड़ दूं तो वह यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा, ये कौन कहा था? तो राजा हरिश्चंद्र कहे थे। तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो, ये कौन कहा था? विश्वामित्र जी ने कहा था। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प है, राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा के लिए स्वयं को काशी में बेचने का निर्णय लिया, क्योंकि क्योंकि क्या होगा इसमें, क्या सही विकल्प क्या रहेगा? क्योंकि दक्षिणा चुकाने का और कोई उपाय नहीं बचा था। द है सबसे लास्ट वाला, दक्षिणा चुकाने का और कोई उपाय नहीं बचा था। दूसरा है, राजा ने अपनी पत्नी तारामती से पुत्र रोहितास के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कर के रूप में आधी साड़ी फाड़ कर मांगी, क्योंकि क्योंकि राजा के विचार से कर न लेना मालिक के प्रति विश्वासघात था। राजा के हिसाब से क्या था? राजा के विचार से, सॉरी, राजा के विचार से कर न लेना मालिक के प्रति विश्वासघात था, ये ब है इसका, आपका सही विकल्प हो जाएगा। इस प्रकार से अगला है, यहाँ तक आप लोग अब कॉपी में आप लोग अब क्वेश्चन आंसर और ये सही कथन और ये सही विकल्प सारा आप लोग कॉपी में इससे लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका ये अध्याय 4 समाप्त हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।